नमस्कार दोस्तों। तो आज जो नया अपडेट है वो उस नए अपडेट के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि वो किस तरीके का होने वाला है, उससे जो सभी यूट्यूबर्स उनको क्या कोई नुकसान हुआ है या किसी चीज अच्छा अपडेट है आपको कोई लाभ होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम राधाचरण। मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जैसे कि मैं चैनल पर जो भी नया अपडेट आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर है, यूट्यूबर है, तो आप जैसे ही अपना क्रोम ब्राउजर खोलते हैं अपने यूट्यूब, यहाँ पे एक जो है नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा, We have updated the imperative language and guidelines that we announced on 30 November. तो फ्रेंड ये है क्या? अगर ये 30 नवंबर से मतलब कि जो 30 नवंबर है वो आने वाला नहीं, तो पिछले वाला 30 नवंबर है 30 नवंबर 2022। तो यह जब 30 नवंबर 2022 में एक पॉलिसी लाई गई थी कि अगर आप कोई भी एडल्ट कंटेंट बनाते हैं, कोई हिंसात्मक भाषा का यूज करते हैं, कुछ भड़काऊ भाषा का यूज करते हैं आप, या किसी तरह का सेक्सुअल कंटेंट बनाते हैं आप, चाहे आपका वो थंबनेल हो, चैनल हो, या कंटेंट में आप कोई भी ऐसी सामग्री डालते हैं, तो इस कंडीशन में आपका जो यूट्यूब चैनल है वो डिमोनेटाइज हो जाता है, या फिर आपका मोनेटाइज ही नहीं है तो मोनेटाइजेशन इनेबल कराने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर आपका इनेबल भी है तो उसमें आपका जो एरो डॉलर की प्रॉब्लम आती थी और उसमें आपकी जो अर्निंग है बिल्कुल भी लो हो जाती थी। तो अब 7 मार्च 2023 से यूट्यूब चैनल पे एक नया अपडेट लाया गया है। तो 7 मार्च 2023 से जो नया अपडेट लाया गया है, तो इस अपडेट से होगा कि अगर आप किसी, जैसे आपका एजुकेशन से रिलेटेड चैनल है, किसी भी कैटेगरी का चैनल है, तो आप उसमें अगर हिंसात्मक भाषा का यूज कर रहे हैं, किसी गाली गलौज का यूज कर रहे हैं, तो आप इसको महज केवल और केवल 7 सेकंड के लिए ही यूज कर सकते हैं। 7 सेकंड से अगर आप इसको ज़्यादा यूज करेंगे तो फिर आपके चैनल पर जो है बुरा इफेक्ट इसका पड़ने वाला है, फिर आपको इसमें जो है मोनेटाइजेशन इनेबल कराने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपका मोनेटाइजेशन इनेबल है तो फिर आपका जो डॉलर की प्रॉब्लम रहेगी वो अर्निंग आपकी लो हो जाएगी और उसमें काफ़ी स्लो जो है आपका ये डॉलर बढ़ेगा और ना के बराबर इनकमिंग होगी। सीधी सी बात यह है कि ना के बराबर अर्निंग, एलो डॉलर की प्रॉब्लम आएगी तो उसका आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड इस पॉलिसी के अनुसार अगर आप 7 सेकंड से ज़्यादा इस वीडियो में गाली गलौज करते हैं, अगर आप रुक रुक के भी कर रहे हैं, जैसे 3-4 सेकंड आपने यहाँ पे 5 सेकंड कर दिया, उसके बाद आप थोड़ा सा गैप देके फिर से कर रहे हैं, तो इस फिर आपको आपके चैनल पे पुरानी वाली पॉलिसी जो 30 नवंबर 2022 वाली पॉलिसी है वो फिर से लागू हो जाएगी और आपके चैनल पे जो है बुरा इफेक्ट पड़ेगा या आपका चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हो पाएगा। फ्रेंड अगर आपका एजुकेशन से रिलेटेड चैनल है तो आप केवल केवल पूरे वीडियो में केवल 7 सेकंड के लिए ही इस प्रकार की एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, एडल्ट भाषा, सेक्सुअल कंटेंट या फिर आपका जो भी आप थंबनेल बना रहे हैं तो उसमें सीमित टाइम के लिए ही आप इसका यूज कर पाएंगे। अगर इससे आप ज़्यादा करते हैं तो आपको फिर काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, आपके चैनल पे भी इसका जो है बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। अगर आप हिंसा या वायलेंस वाला वीडियो बनाते हैं या उसमें किसी ऐसी सामग्री का यूज करते हैं जो किसी भड़काऊ भाषण, हिंसा या फिर किसी ऐसी चीज़ का शो करता है, तो पहले की कंडीशन में आपके चैनल जो है मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं होते थे। और अगर आप ऐसा अब भी प्रेजेंट में भी कर रहे हैं इस वीडियो में, तो केवल और केवल 7 सेकंड से कम के लिए ही करें, एक बार ही करें, और आप वीडियो में इसको बार बार रिपीट करते हैं तो फिर आपका जो चैनल रहेगा वो आप मोनेटाइज इसको इनेबल नहीं करा पाएंगे। अगर आपका इनेबल है तो उसमें एरो डॉलर की प्रॉब्लम आएगी जिससे आपकी अर्निंग बिल्कुल भी नहीं होगी। दिखाई देगा तो आपको यहाँ पे भी कुछ जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे जैसे कि ये दिखाई दे रहा है आपको, तो अब आप यहाँ पे लर्न मोर पे करेंगे तो इसकी जो पॉलिसी रहेगी वो पढ़ पाएंगे, आप यहाँ से डिसमिस कर देंगे तो यहाँ से बिल्कुल ही चली जाएगी। तो आपको सिर्फ लर्न मोर पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लर्न मोर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो पॉलिसी है इसकी, वो पॉलिसी यहाँ पे आपको दी गई है, तो अच्छे तरीके से आपको इस पॉलिसी को जो है रीड कर लेना है। और यहाँ पे कुछ क्रिएटर्स द्वारा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी करे गए हैं, उनके भी जो है आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपको अच्छे तरीके से अगर इसको और अच्छे बेटर तरीके से समझना है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा होगा, यहाँ पे रिलेटेड कंटेंट लिखा हुआ है, अगर आपको इस चीज़ से कोई समस्या है या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करके अपना जो है आंसर ले सकते हैं और अपना क्वेश्चन कर सकते हो, आप अच्छे तरीके से संतुष्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड आज का कंटेंट जो है यही था और जो अपडेट था यही था, तो आपको इससे घबराना नहीं है, आपको सिंपली इसको जो है डिसमिस यहाँ से कर लेना है, तो ये नोटिफिकेशन दोबारा से आपके चैनल पर शो नहीं होगा। तो फ्रेंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद, वंदे मातरम।